भाई क्या आप भी चाहते हो कि सारी लड़कियां आपकी दीवानी बनकर रह जाए और हर कोई कहे कि क्या लड़का है तू, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा ना। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहो क्योंकि आज के बाद आपकी गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी। करने हैं इतनी तू से काम जो कि सबसे पहला काम है कि दो कम और लो ज्यादा। और क्या लेना है क्या देना है? राज। भैया आपको अपने राज कम से कम देने हैं, लोगों तक कम से कम पहुंचाने हैं और दूसरों के राज जितना हो सके उतने ज्यादा चुरा लो। लड़की से बात करते वक्त ना उसकी स्टोरीज जो होती है ना, वो बेवकूफी वाली स्टोरी जिसमें तुम बोर हो जाते हो, उसको बड़े ही इंटरेस्ट लेके बड़े ही ध्यान से सुनो। लड़की अपने स्टोरीज सुनाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती है ना कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दे देती है जो कि पूछने पे कभी भी ना देती। जब वो अपनी स्टोरी सुना रही हो तो आप बीच बीच में मैनिपुलेट भी कर सकते हो, उकसा भी सकते हो। जैसे वो बोलती है कि पता है फिर मैंने मम्मा को ना झूठ बोल दिया कि मैं ना बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, फिर मैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। तुम बोलो अरे वाह तुम बॉयफ्रेंड के, अरे यार मान गए यार, क्या डेयरिंग लड़की हो तुम, वाह। फिर तुम उससे पूछो अच्छा तुमने किया क्या क्या, तो बोलेगी फिर ना हम वहां घूमने गए, फिर ना हमने ये मूवी देखी, फिर हम ना यहाँ खाने गए, उसके बाद ना बस हम घर आ गए। तुम बोलो बस इतने से काम के लिए इतनी दूर गई, हद हो गई, इतने से काम के लिए झूठ बोला तुमने, तो बोलेगी अरे अरे यार मैं क्या बताऊं, प्लीज ना किसी को बताना मत, हमने ना वो भी किया था, हमने थोड़ा सा ये भी किया था। फिर तुम बोलो अरे वाह क्या बात है, तुम तो यार एकदम डेयरिंग लड़की हो यार, मान गए तुमको। अब चाहे वो कुछ भी बोल रही हो तुम उसकी तारीफ करो, लड़की अपनी तारीफ लेने के लिए और चीजें बताएगी। ऐसे करते करते ना आपके पास एक तगड़ा सा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बात आपको पता चली है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लीक करो, उसको ब्लैकमेल करो, अपने दोस्तों में जाकर बांटो, क्योंकि ये सबसे बड़ा चूतियापा होगा। ये बस मैं आपको एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए कह रहा हूँ। जिस तरीके से आप किसी को उधार देकर नहीं भूलते, उसकी शक्ल देखते ही आपको याद आ जाता है कि साले ने उधार लिया था, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ऐसे ही जब लड़की आपको सोचेगी ना कि मुझे इसे छोड़ना है, तो बोलेगी यार इसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको तो मैं फ्रेंड ज़ोन्ड कर ही नहीं सकती, इसके साथ तो दोस्ती बनानी ही पड़ेगी। तो इस मेंटल प्रेशर को बनाने के लिए ही आपको ये करना है। दूसरा काम क्या बताया था, अपने राज कम से कम बताओ। आजकल लड़के लड़की को अपना सब कुछ बता देते हैं कि मैं यहां जन्मा था, इस तरीके से जन्मा था, इस प्रोसीजर से जन्मा था। अबे पागल हो, फिर बोलोगे लड़की भाव खा रही है, लड़की बोर हो रही है, लड़की इंटरेस्ट नहीं ले रही, लड़की मेरे को बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती। अरे यार तुमने सारी स्टोरीज तो इंटरवल से पहले सुना दी, अब तुम बोल रहे हो कि बैठो और तब भी मूवी देखो। आप ना अपनी बातों को समझाना सीखो, प्रेजेंट करना सीखो, एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बनो ताकि सामने वाला बोर ना हो। स्टोरीज को कभी भी डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए कि मैं यहां गया फिर ये किया फिर वो किया, ना 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 ना, उसको बोलो पता है फिर मैं यहां गया, अरे यार फिर तो पूछो मत, फिर तो ये हो गया, फिर तो वो हो गया। मतलब कि आपकी स्टोरीज में उतार चढ़ाव होने चाहिए। जितना ज्यादा उतार चढ़ाव लाओगे, जितना ज्यादा ऊपर नीचे करोगे बातों को, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा वो सुनेगी। सस्पेंस बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि यार आज ना यार बस इतना, यार मैं लेट हो रहा हूं, मैं बाकी कल बताऊंगा, या अभी के लिए इतना ही, वक्त आने पे सब बताऊंगा। इससे इंटरेस्ट बना रहेगा। और अपनी बातों को कम बताओ और जितना हो सके बढ़ा चढ़ा के बताओ कि पता है मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, किसी को मत बताना, मैंने किसी को नहीं बताई, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। फिर कुछ भी एक स्टोरी बता दो, इससे उसको एक तो इंपॉर्टेंस फील होगी कि यार इसने मुझे इतनी अपनी बड़ी सीक्रेट बताई, इसने कभी किसी को नहीं बताया था, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं इसके लिए। और दूसरा अपना थोड़ा सजेशंस मांग लेना, तो दूसरा क्या होगा कि लड़की सोचेगी वाह मेरे पास कितना ज्यादा दिमाग है। भाई ब्यूटी की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन जब दिमाग की तारीफ करोगे ना तो मैदान लूट लोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की दिल से नहीं दिमाग से पटाओ। तीसरा काम है नाम का काम। भाई हर एक इंसान को अपना नाम सुनना ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। जब हम किसी को उसके नाम से पुकारते हैं ना, तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत वाला फील होता है कि वाह यार मेरी कितनी इज्जत हो रही है, मेरा कितना नाम है। हम कहते हैं ना कि नाम रोशन करेगा मेरा बेटा, यही होता है उसका मतलब, कि उनका नाम रोशन हो, उनका नाम चले मार्केट में। हेलो कैसी हो, हेलो अनुष्का कैसी हो, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लड़की को हमेशा उसके नाम से पुकारो, हेलो अनुष्का कैसी हो, अनुष्का यार सच बताऊं ना तो मेरा भी मन नहीं था, अनुष्का जी ये जालिमों की दुनिया है, यहाँ पर दिल लगाने वालों के अक्सर लग जाया करते हैं। तो बातों पे जोर डालने के लिए, उसको थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए आप उसका नाम ले सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि उसको इरिटेट मत कर देना, कहीं तुम अनुष्का ये अनुष्का वो अनुष्का ऐसा अनुष्का वैसा, यार वो इरिटेट हो जाएगी और इरिटेट हो गई तो आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो आपका काम बने तो नीचे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिल सके, उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए बगल वाला घंटा प्लीज दबा देना। और जिन दोस्तों को इस वीडियो की जरूरत है उनको प्लीज शेयर करो, यार आपका भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, भलाई करनी चाहिए ना।